हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो को लेके और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राज क्लासेस लेक्चर में। आज की वीडियो में हम एक मैथ की ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जिसे देखने के बाद आपकी आत्मा बिल्कुल तृप्त हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट को मैथ की कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लगाव होता है। और देखिए दोस्तों, जब कैलकुलेशन बहुत बड़ी आ जाती है ना, तो वो अपने हाथ पैर पेन पेंसिल घुटने सब टेक देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जो आप मल्टीप्लाई बहुत ही कम सेकंड में कर सकते हो, मात्र 5 सेकंड में कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई की बात आई तो अपना ये वाली ट्रिक लगा देना और इस ट्रिक से अपना बहुत जल्दी आंसर लेके आ सकते हो। तो आपको क्या करना है, बस ये वाली ट्रिक लगानी है और अपना आंसर लेके आ जाना है दोस्तों, क्या दिक्कत है। तो आज की वीडियो में आप ना बहुत कुछ सीख के जाओ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये मेरा वादा है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप आज ही से ना कैलकुलेटर बन जाओ और इससे ज़्यादा क्या होगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें मल्टीप्लाई करनी है 104 और 112 की मल्टीप्लाई करनी है। अगर हम नॉर्मली इसकी मल्टीप्लाई करने बैठे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम इसमें अगर शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक लगाएंगे ना, तो ये चंद सेकंड में हो जाएगा, चंद सेकंड में आंसर आपके आंखों के सामने होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आती है कि इसको हम करें कैसे। तो देखिए दोस्तों, ये वाली ट्रिक है ना, ये उन नंबर पर काम करेगी जो 100 के पास हैं, ठीक है, 100 के पास हैं। जैसे कि 104 और 112 100 के पास पास हैं, तो ये ना, तो ये ट्रिक इन नंबर पर काम कर जाएगी। देखिए कैसे काम करती है। देखिए दोस्तों, जो ये वाला नंबर है यहाँ पर, देखिए दोस्तों, ये वाला नंबर है 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 4 ज़्यादा है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये वाला नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, ये वाला नंबर 100 से 12 ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको देख लेना है कि ये वाला नंबर 100 से कितना ज़्यादा है और ये वाला नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। जितने जितने नंबर ज़्यादा होंगे उनकी आपको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12 चौक 48 होते हैं, ठीक है, 48 होते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, 12 और 4 कितने होते हैं, 16, ठीक है। अब आपको ना इसमें प्लस करना है, ठीक है, ये नंबर आपको प्लस करना है। और देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा था कि ये 100 से कितने ज़्यादा हैं, ठीक है, 4 100 से ज़्यादा था और ये 12 भी 100 से ज़्यादा था, ठीक है। तो दोनों में 100 कॉमन है, तो आप क्या करोगे, इस 100 में इन नंबर को प्लस कर दोगे, ठीक है। अगर हम 100 में 16 को प्लस करेंगे तो 100 और 16 116, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 116। हाँ दोस्तों, ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 116 और 48। ये दोस्तों इसकी ट्रिक है, अगर आप इसको ना बहुत जल्दी से करोगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, देखिए दोस्तों, आपको पहले ये पता लगाना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है और ये वाला नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 100 से 4 ज़्यादा है और ये 100 से 12 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी तो करना है आपको मल्टीप्लाई, जो कि आ गया 48, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये 12 और 4 16 को 100 में प्लस कर देना है, ठीक है। तो 16 को 100 में प्लस करेंगे तो 116 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दोस्तों करना है। तो चलिए दोस्तों, एक और नंबर ले लेते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया 107, ठीक है, 107 की मल्टीप्लाई करेंगे 103 में, ठीक है, 103 में। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, हम देखेंगे कि इसमें 100 से कितना ज़्यादा है। इसमें देखिए दोस्तों, 100 से ना 7 ज़्यादा है, 7 100 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से 100 से 7 ज़्यादा है, 100 में कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ में 100 से 3 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 होता है, ठीक है, 21 होता है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, 7 और 3 जोड़ेंगे, 7 और 3 होते हैं 10, और 10 को 100 में ऐड कर देंगे तो 10 और 100 110। तो यहाँ पर 110 ये इसका आंसर आ जाएगा, 110 21 ये इसका आंसर आ जाएगा। आप अगर चाहो, अगर आपको डाउट हो तो आप अभी कैलकुलेटर उठाओ और अभी इसको चेक करो, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, चलिए एक और नंबर ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम एक और नंबर लेंगे, देखिए दोस्तों, क्या ये शॉर्ट ट्रिक 100 से कम नंबर वाले में भी काम करेगी। हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया 97, ठीक है, 97 की मल्टीप्लाई करनी है, जैसे कि 94 में करनी है, ठीक है, 97 की मल्टीप्लाई 94 में करनी है। अब आपको देखना है कि ये 100 से कितना कम है। तो देखिए दोस्तों, ये 100 से कितना कम है, जो 97 है ना, 100 से 3 कम है, ठीक है, 100 से 3 ही तो कम है। अगर 97 में 3 जोड़ देंगे तभी तो 100 होगा, तो 100 से 3 कम है, ठीक है, 97 100 से 3 कम है। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, 94 है, 94 100 से कितना कम है, 94 100 से 6 कम है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 6 कम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसकी तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, 6 3 18, ठीक है,
6 3 18। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 3 18 इसकी तो हमने कर दी मल्टीप्लाई। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसको हम जोड़ेंगे -3 -6 -6 और 3 9। ठीक है, -6 और 3 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने 100 में से पहले हम क्या करते थे, 100 में इसको प्लस करते थे। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लस किया और यहाँ पर हमने 100 में प्लस किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर -9 है तो हम क्या करेंगे 100 में से 9 घटा देंगे। बेसिकली यहाँ पर -9 है ना, तो हम 100 में से 9 घटा देंगे। ठीक है, तो 100 में से 9 जाएगा तो बचेगा 91। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 91। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा, चाहे आप 100 से कम नंबर हो चाहे आप 100 से ज़्यादा नंबर हो, लेकिन 100 के ज़्यादा पास में ही होना चाहिए, 100 के ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, वरना आप भागते भागते ही रहो। तो आपको क्या करना है, अगर 100 से ज़्यादा और 100 से कम नंबर हो तो अपना इस ट्रिक को फॉलो करो और अपना आंसर ना बहुत ही कम सेकंड में लेके आ जाओगे, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। Thank you.